चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। बहुत ही खास है, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की लास्ट 3 मंथ, जी हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ की बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आप बच्चों के साथ रखने वाला हूं। अगर इनकेस फरवरी के बाद होते हैं, मार्च अप्रैल में होते हैं, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होने वाला है। लेकिन फिर भी 3 मंथ में कोशिश करिए कि आपका कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो बोर्ड एस्पिरेंट के लिए इससे बढ़िया, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक पॉइंट को सुनिएगा। यहां पर मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं। अगर समझ में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब हैंडराइटिंग समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आती हैंडराइटिंग समझ में, तो जो मैं बोलता हूं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। और उम्मीद करता हूं मैं और एश्योरिटी देता हूं, अगर आपने पूरे 5 पॉइंट ये सुन लिए हैं तो आपकी जो परसेंटेज है उसमें नियर अबाउट 20% इंक्रीमेंट मैं आपका ला दूंगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, वी ऑल हैव 24 आवर्स। देखिए, शुरुआत से ही मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है, वी ऑल हैव 24 आवर्स। एक टॉपर की बात करें जिसके 90-95% आती है या फिर 100% आती है, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जिसके 50-60% आती है, या कोई बच्चा जो फेल हो जाता है जिसके 30% से भी कम आते हैं, सबके पास 24 आवर्स ही है, राइट? तो वो क्या सेपरेट करता है एक टॉपर को, एक एवरेज को, एक फेलियर को? वो सेपरेट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ अ टाइम, राइट? तो आपको अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है बच्चों लोगों। टाइम सबके पास, सिचुएशन सबकी सेम है, राइट? सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक टॉपर बनेगा, एक एवरेज स्टूडेंट बनेगा, फिर भी एक फेलियर बनेगा, राइट? तो आपको टाइम को अफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। देखिए, 24 घंटे सबके पास है, कितना सो गए यार, राइट? 8 घंटे, 10 घंटे, चलो ले लिए 12 घंटे अगर आप सोते हो, तो 24 में से 12 घंटे हटा के 12 घंटे बचते हैं। उसमें खाना पीना जो तुम्हारी मस्ती मजे हैं वो निकाल लेते हैं, 4 घंटे हटा लो, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। तो उन 8 घंटों की स्टडी तो आपको करनी ही करनी है। इसको बोलते हैं अफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मतलब जितना भी आपका वेकिंग आवर्स है, राइट, एक स्टूडेंट लाइफ में जितना भी आपका वेकिंग आवर्स है, मतलब सोने के बाद जितने टाइम भी आप जग रहे हो, कोशिश करो उन सभी वक्त आप पढ़ सको, राइट? जितना हो सके, इस पॉइंट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालो पढ़ने के लिए। चुराना पड़ता है टाइम, राइट? चुराना पड़ता है टाइम। और कभी आपको लगे यार अभी तो 15 मिनट है, 20 मिनट है, नहीं, वो 15-20 मिनट करके 3 घंटे, 4 घंटे, 5, और वही 8 घंटों की आपकी स्टडी बनती है। तो मिनिमम 6 आवर की स्टडी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका जो एम है, टारगेट है, वो हायर है। आपके 10th में या उससे लोअर क्लासेस में 60-70% आई थी, और बोर्ड क्लासेस में चाहते हैं अबव 90-95-99-100% आए, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम जो है ना उसको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, और जितना हो सके उसका अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सारे बच्चे मेरे साथ हैं? चलिए, सेकेंड पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ से यहां पर कोई ताकत से मतलब नहीं है कि यार मेरी ताकत किस में है, वीकनेस नहीं, यहां पर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। कौन सा सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक हैं या बहुत ही ज्यादा वीक हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो आपकी वीकनेस है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच में बैलेंस नहीं कर पाते, जो कि बहुत जरूरी है। कई बच्चे अपनी स्ट्रेंथ के पीछे ही लगे रहते हैं। मान के चलिए आपका मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो कई बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपना फेवरेट सब्जेक्ट को ही निकालते रहते हैं, क्योंकि इतना मजा आता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा दिन अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ही पढ़ने में बिता देंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं आपका, ऐसा तो है नहीं कि यार एक ही सब्जेक्ट है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th या 12th में, या फिर जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपका एक ही सब्जेक्ट है, नहीं होता ना। 5 से 6, नियर अबाउट 6 से 7 सब्जेक्ट हर बोर्ड एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं, तो हमें इक्वल टाइम देना सबको जरूरी है। या फिर कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा वीक है, मान के चलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही, मैथमेटिक्स ही हमारा बहुत वीक है, तो पूरा टाइम हम उसको स्ट्रांग करने में बिता देंगे, या पूरा दिन हम उसको वीक को अच्छा करने में बिता देंगे, राइट? वो भी ठीक नहीं है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं ऑलरेडी टाइम टेबल के ऊपर, जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे मेक श्योर करिए हर दिन कम से कम 2, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट रोज आप पढ़ें।
किसी एक ही सब्जेक्ट में जरूरत से ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है। जो आपका वीक है आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना सकते, रियलिटी यही है। जो आप वीक हैं जिस भी सब्जेक्ट में उसको बहुत ज्यादा सुपीरियर 99-100% वाला आप नहीं बना पाएंगे। तो अपने वीक को अबव एवरेज आपको बनाना है। स्ट्रेंथ जो है आपको, वो तो आपकी स्ट्रेंथ है ही, आपकी स्ट्रेंथ को आपको 1 घंटे देना है, वीकनेस को 3 घंटा देना है। लेकिन आपने हमारे स्ट्रेंथ को ही 3 या 4 घंटे दे रहे और वीकनेस को पॉइंट नहीं दे रहे, तो खेल नहीं बनेगा, गेम नहीं बनेगा, राइट। तो मेन चीज क्या है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, हर सब्जेक्ट को, कोई भी आपका वीक पॉइंट हो या वीक सब्जेक्ट हो या स्ट्रांग सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो टाइम थोड़ा कम दीजिए, लेकिन देना, पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे लैंग्वेज को मिस कर देते हैं, लैंग्वेज रोज ले सकते हैं आप 1 घंटा। जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको कम घंटे दीजिए, लेकिन रोज लीजिए। रोज इन द सेंस है कि हर दूसरे तीसरे दिन में वो रिपीट होना चाहिए, राइट। कम से कम 1 दिन में 2 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने हैं, मैक्सिमम 3-3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, राइट। और हर दूसरे तीसरे दिन वो सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। सिंपल हो रहा है बच्चों, क्लियर। तीसरा है फॉलो द बेस्ट बुक। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सारी कंजूसी वो बोर्ड में ही आके दिखाते हैं, राइट। तो हमें जो बोर्ड एस्पिरेंट है 10th या 12th के, वो बोर्ड वापस नहीं आता यार बच्चों लोगों, राइट। तो जितनी भी आपकी सेविंग है, हो सकता है आप बोल दें यार, पेरेंट्स को बोल दो कि यार बर्थडे में मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे ये अच्छी बुक है, अच्छी रेफरेंस बुक है, या अच्छी सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मुझे दिला दीजिए। तो देखिए फोकस आपका होना चाहिए बेस्ट बुक से पढ़ने। अच्छा, बेस्ट बुक से मेरा कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि जितनी भी उस सब्जेक्ट की बुक्स है सारी परचेस कर ली आपने, क्योंकि आपको लगता था ये सारी बेस्ट बुक है, राइट। अच्छे टीचर से पता करिए, अच्छे जो आपके ऑनलाइन टीचर्स हैं, आपके स्कूल टीचर्स हैं, कोचिंग टीचर्स हैं, ये तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बुक रेकमेंड करते हैं मेरे जैसे, उनसे पता करिए। तो कहीं ना कहीं जहां पर आपकी मैचिंग होती है, जिस भी टीचर्स आप कनेक्ट कर पाते हैं ज्यादा, उनकी बुक्स को फॉलो करिए, राइट। और 1 से 2 बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बेस्ट बुक किसी भी एक जो आपकी स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी है, जो भी आप बुक्स को रेफर करते हैं, उसके साथ साथ एक रिफ्रेशर आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर अभी तक परचेज नहीं करा, आइडिया चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, स्पेशली मेरा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक जब आप क्लिक करेंगे, वहां पर मैंने क्लास 10th के लिए, 12th के लिए बेस्ट बुक, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर, सब कुछ वहां पर रिकमेंड कर रखे हैं। वहां से आप देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। परचेज करना चाहते हैं तो वहीं से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो नाम नोट करके, ऑथर का नाम पता करके, प्राइसेस वगैरह पता करके, अपने जो पड़ोस में, आस पड़ोस में जो मार्केट है, वहां जाके भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है, बेस्ट बुक को रेफर करना है, बेस्ट टीचर्स को रेफर करना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन यार हर बार नहीं आता, और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में परसेंटेज है पूरे लाइफ टाइम काम में आती है। तो जितनी भी आपकी सेविंग है, जितनी भी सेविंग है आपकी, जितना भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं आपके बिना मतलब के, जो कि इतना यूजफुल नहीं आपके लाइफ के, उनको थोड़ा कंट्रोल करिए और जितना हो सके अच्छी बुक में इन्वेस्ट करिए, राइट। राइट, द इन्वेस्टमेंट इन बुक्स पेज द बेस्ट डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो मेक श्योर करिएगा कि बेस्ट बुक, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर्स को फॉलो करिए, राइट। टीचर्स कैन ओनली गाइड यू, एक टीचर्स पे बात आ रही है तो एक और चीज जाननी जरूरी है कि बहुत ज्यादा रिलाय करना अपने कोचिंग टीचर्स पे, अपने ऑनलाइन टीचर्स पे, स्कूल टीचर्स पे, वो सही नहीं है, राइट। अल्टीमेटली जो पर्सन आपको 20% मार्क्स दिलाएगा, राइट, जो आपको टॉपर बनाएगा, वो आप खुद ही हैं, राइट। तो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा कि टीचर्स सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम जैसे लोग, हम जैसे काउंसलर, टीचर्स, एजुकेटर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन हम आके आपको याद नहीं कराने वाले, मेमोराइज नहीं कराने वाले। मेहनत जो है वो आपके पार्ट से आपको करनी ही करनी पड़ेगी, वो वीडियो देखकर, वो किसी का लेक्चर सुनकर, वो कभी नहीं आने वाली। तो सेल्फ स्टडी बच्चों लोगों आपको ही करनी पड़ेगी, कोचिंग वाले हेल्प कर देंगे, ऑनलाइन क्लासेस आपकी हेल्प करेगी, लेकिन जो टाइम आप सेल्फ स्टडी का 4 से 5 घंटे या 8 आवर्स देते हैं, वो मैटर करता है आप टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बलबूते पे हैं या फिर कोचिंग क्लासेस के बलबूते पे हैं, तो 90+ स्कोर करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगी कि आप कितनी आगे बढ़ पाएंगे, कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रो आप कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। एम आई मेकिंग सेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस, बहुत जरूरी है। हर संडे, एग्जैक्ट डे बता रहा हूं आपको, संडे को आपको
थ्रू आउट द वीक आपने कैसा पढ़ा वो ट्रैक करनी है प्रोग्रेस, या फिर कितने चैप्टर्स आपने किस सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए वो सारा ट्रैक आपको प्रोग्रेस करना है, या फिर अपना जो भी आपको मतलब पूरे वीक आपने कैसा परफॉर्म करा वो आपको ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, मेजर करना है कि यार मैथ के इतने चैप्टर हो गए, साइंस के इतने हो गए, अकाउंटेंसी के इतने हो गए, केमिस्ट्री के इतने हो गए, बायोलॉजी के इतने हो गए। तो आपको हर वीक ऐसा एनालाइज करना है। संडे एक दिन बना लीजिए जहां पर आपको ये पूरे वीक में जो भी आपने मेजर एक्टिविटी करी है, कितने घंटे पढ़ा है, कौन से सबके इंडेक्स खोलने हैं, राइट, हर बुक के इंडेक्स खोलने हैं, और आपको मेजर करना है कि यार इतने चैप्टर मैंने इस मतलब इस वीक में कर लिए, इतने चैप्टर्स मैं आगे वीक में करने वाला हूं। तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। और अपने टाइम टेबल को देखिए, सेट टाइम टेबल नहीं होता ऐसा कुछ कि यार 6 महीने का टाइम टेबल बना लिया अब मैं इधर से उधर नहीं करूंगा, जो भी बना लिया उसको ही फॉलो करूंगा, नहीं। हर संडे को आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। जहां पर आपको लगेगा यार इस टाइम में ये सब्जेक्ट मैं अच्छा पढ़ पाता हूं तो वो सब्जेक्ट डालिए, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस पीछे चल रहा है उसका टाइम बढ़ाइए, राइट। तो जितने भी फेरबदल करने हैं, देखिए किसी टीचर के बलबूते पे चलेंगे कि यार ये सुनील सर मुझे टाइम टेबल बताएंगे या ये सर मुझे टाइम टेबल बताएंगे, ऑनलाइन क्लासेस में मुझे टाइम टेबल पता लगेगा, नहीं, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जितना भी थ्रू आउट द वीक आपने पढ़ा है उसका एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। हर संडे को, हर संडे बैठिए, एक रफ कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए जहां पर आप एनालाइज कर सकें पूरे वीक आपका कैसा गया है, कौन से टाइम ज्यादा पढ़े हैं, किस सब्जेक्ट में पीछे हैं, किस सब्जेक्ट में आगे हैं, उसके अकॉर्डिंग आने वाले वीक का टाइम टेबल बनाइए और फिर उसी वीक को आने वाले संडे में एनालाइज करिए। सिंपल हो रहा है बच्चों? चलिए क्विकली हम रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट। पहला था, एक टॉपर के पास, एवरेज स्टूडेंट के पास, फेलियर के पास 24 आवर्स हैं, राइट। तो सबके पास जब इक्वल आवर हैं तो डिपेंड करता है आप किस टाइम को या किस समय को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालिए सोने के बाद, जितना भी टाइम बचता है वेकिंग आवर्स का उसमें पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट था, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं सारा टाइम उसमें मत बिताइए, जिसपे बहुत वीक है सारा टाइम उसमें भी नहीं बिताना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बेस्ट बुक को फॉलो करिए, अगर कंफ्यूजन में है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बेस्ट बुक चेक कर सकते हैं। टीचर्स कैन ओनली गाइड यू, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग क्लासेस के बलबूते पे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सेल्फ स्टडी जरूरी है, राइट। और ट्रैक करनी है अपनी प्रोग्रेस हर संडे को, हर संडे को हमें एनालाइज करना है पिछला वीक हमारा कैसा गया और आने वाले वीक में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे 5 पॉइंट। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा रहा होगा, झेलू वीडियो नहीं रहा होगा, सारे पॉइंट वैल्यूएबल हैं अगर आप इन पे गौर करेंगे। एक बार और वीडियो फास्ट स्पीड में या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे एक बार और देख लेना, ताकि जो सारे पॉइंट है आपके दिमाग में चले जाएं और आने वाले टाइम पे आप इनको अमल कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ अपने प्रोग्रेस में या अपने परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा पाओ, राइट। वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऐसे हर वीक मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।